नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए, मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है, किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण तथ्य एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक वरीयता रहती है, आवश्यकता रहती है, इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है, मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। थैंक यू सर। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, यहाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं, नंबर 10। आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन प्लीज बताएं, तब शुरू करें। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा हाई लेवल कमिटी बनाई गई है, कैन यू टेल अस हु इज हेडिंग द कंपोजिशन ऑफ दिस? थोड़ा माइक को आगे करो। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा एक हाई लेवल कमिटी बनाई गई है, कैन यू टेल अस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द कमिटी? एंड माय सेकंड क्वेश्चन सर, कि आपने कल यूजीसी नेट इस सस्पेंशन पे कैंसिल किया कि शायद उस एग्जाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई हो, the initial or rather the preliminary inquiry of Bihar police shows that one candidate has confessed ki mujhe ek raat pehle paper mila, maine solve kiya aur jawab rate gaye. So would you just based on that suspicion or indication also want you know cancel UGC sorry NEET UG? Dekhiye, do prashn aapne rakhe hain. Ek to main aapko aashwast karta hu, samaj jeevan ke aaj ke dino mein Bharat ki jo विश्वसनीयता बनी है उसको बरकरार रखने के लिए समाज जीवन के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, इस सभी प्रकार की बैकग्राउंड की लोगों को इकट्ठा करते हुए एक सरकार इफेक्टिव कमिटी बनाएगी। उनकी कमिटी की रिकमेंडेशन से एनटीए को सुधारा जाएगा, नया रूप दिया जाएगा, जल्दी ही हम उस कमिटी को नोटिफाई करेंगे। आपने नेट यूजीसी के बारे में कहा, कोई टेंटेटिव नहीं था। कल मैं जब हमारी यूजीसी चेयरमैन को गृह विभाग की होम मिनिस्ट्री की I4C एजेंसी जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने 3 बजे एक जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है, टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है, आप उसके बारे में जानते हैं। हमने तत्क्षणात निर्णय किया कि इस परीक्षा कंप्रोमाइज हुई है, उसको स्थगित किया जाए, और जल्द ही हमने उसी में भी कहा है कि जल्द ही हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए। जहां रहा नीट के सवाल है, नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा, मैं प्रारंभिक सूचना में कहा
कि पटना पुलिस की काम सराहनीय है, एक आइसोलेटेड घटना को उन्होंने राउंडअप कर पाया है, कुछ जानकारी और भी आना बाकी है, इसलिए उसको फाइनल कार्रवाई भी हम जल्दी कर देंगे। अनुसंधान को हम पुख्ता करना चाहते हैं, हम उनके अनुसंधान से संतुष्ट हैं। भारत सरकार की अधिकारी और बिहार पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों की निरंतर वार्तालाप हो रही है। दोनों घटना की बैकग्राउंड और चरित्र दोनों के अलग है, और हम फिर कहना चाहेंगे लाखों विद्यार्थियों की, मेधावी विद्यार्थियों की, गरीब विद्यार्थियों की हितों की बात है। हम ऐसा कुछ ना करें जहां हमारी देश की भविष्य काटघरे में आ जाए। नंबर 1, 2, 3। सर, दिस इज अमिता फ्रॉम डेक्कन हेरल्ड। सर, यू स्पोक अबाउट द बिल फॉर द एंटी चीटिंग बिल व्हिच वाज पास्ड बाय द राज्यसभा एंड द लोकसभा इन फरवरी दिस ईयर। I just wanted to check if the, because the gadget notification we've not been able to find. So will we be able to use this bill to sort of catch the accused in these cases? Because the notification, as long as it's not notified, I'm wondering. My information, it has been gadgeted, it has been notified, but Law Ministry is on the job of firming the rules. It will be very soon, it will come out with rules, stringent rules, and all this incident will also give us a new dimension to think with a new approach. And this bill will facilitate. Few months back, we don't have any weapon to face this kind of challenges. This kind of challenges are not only limited to an area. Nowadays, almost all state is affected by this kind of problem. So we come out with a holistic law. Now it will be converted to rules, and very soon all the document will be in the public domain. The primary job of law framing has over. 1, 2, 5 to your right, sir. So, like you rightly said, that you do not want to get into politics on the entire issue, but the opposition has come hammer and tongs against you. Rahul Gandhi has said that the RSS and the BJP have sabotaged the education system, and he says that the priority of the Prime Minister has now been only reduced to finding the Lok Sabha speaker next and not focused on the future of the students. When I am appealing to my opposition colleague not to politicize this issue, I am refraining myself to do politics also. But I'll again appeal to my opposition friends, to the student friends, let us faith on our system. We are a democracy. In just concluded election, people has reposed their faith again in the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, and our government is 100% committed for transparency, for the betterment of our students' future. And I assure you again, no malpractices, no irregularities will be tolerated by our government. 272 to the left. Sir, Ishwari from NDTV. Sir, when this UGC NET examination has already been cancelled after the credible inputs being received by the IC4, what sort of inputs were received, number one? Number second, sir, there is a lot of financial burden that the students have faced after the examination had been given. Whether the Ministry of Education in future, whenever this examination will be reconducted, will help those students or give any sort of facilities to them as far as giving another round of examination, and when can we accept this examination to be reconducted again? No. Let me categorically clarify. As I said, specific question paper is there in the darknet. This input has been given by Home Ministry's prestigious organization, I4C. When we compare with the document, of the said document with our original question set,
we come to the conclusion this is a case of question leak. So when you are organizing such a huge prestigious examination for the future assistant professors, for PhD students, you have to maintain the quality. I can't say this is a very nice information I am sharing with you with full pain. We are taking responsibility. We have to rectify the system. Very soon we'll come out with dates. We'll see how student will be less burdened with the examination. But quality and transparency will be there. 81 to the right. मेरा नाम समीक्षा है और हिंदी खबर न्यूज चैनल से मैं हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जब पेपर लीक हुआ, क्योंकि आज अनुराग यादव ने अपना कबूलनामा दिया और पेपर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया बिहार में, और डबल इंजन सरकार है आपकी, सर कोऑर्डिनेशन में कहाँ प्रॉब्लम हुई? आप कहते हैं कि हम आश्वस्त करते हैं कि छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी, लेकिन विश्वसनीयता कैसे आएगी? और इस बात की अब क्या गारंटी है कि अब से पहले इस तरह की धांधली नहीं हुई है, क्योंकि इस बार सामने आ गया, अब से पहले कभी सामने नहीं आया, तो सर कहीं ना कहीं विश्वसनीयता अब कैसे आएगी? देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो मैं लेता ही हूँ। देखो, मेरे पास उस जिम्मेदारी से मैं हटने की कोई नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता। देश के भविष्य को सुरक्षित करना पड़ेगा, गुणवत्ता को मेंटेन करना पड़ेगा, पारदर्शिता को मेंटेन करना पड़ेगा, लाखों गरीब विद्यार्थियों की मेहनत को सम्मान करना पड़ेगा। बिहार सरकार की और भारत सरकार की कोऑर्डिनेशन व्यवस्थित था। कुछ विसंगति हमारे ध्यान में आई है, इसीलिए मैंने कहा कि सारा प्रक्रिया पूरा होने के बाद इस पूरा चक्र में जो भी जिम्मेवार होगा, जो भी कोई होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बाकी बिहार पुलिस इस विषय में कुछ और अनुसंधान, कुछ और इंक्वायरी और कुछ स्पेसिफिक की ओर जा रही है, उसको पूरा हो जाने दो, पूरा स्पष्टता हो। 212 टू द राइट, आपका सवाल हो गया, दूसरों को भी चांस दे दें। सर सर मेरा नाम अजस्त्र पीयूष है, न्यूज़ इंडिया से हूँ, और सवाल मेरा यही है कि बिहार को लेकर सिकंदर नाम का एक व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया, उसने उसको रुकवाने की व्यवस्था तेजस्वी यादव के पीए ने की, आपके मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने इस बात का जिक्र किया है, तो क्या इस पूरे मामले में आप समझते हैं कि तेजस्वी यादव की भी कोई संलिप्तता थी या उसके पीए की? देखिए, मैं कुछ विषय को फिर अपील करना चाहता हूँ खुद के ऊपर एक संयम रखते हुए। आज के दिन मेरे ओर से, मैं भारत सरकार की शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई है। हम एक चुनौती भरा समय में गुजर रहे हैं। मैं सभी को अपील करूँगा कि ये विषय को मैं देश की विद्यार्थी की हित मेरे मन में सबसे प्राथमिकता में है। उनकी अभिभावकों की, मैं इस बीच में कुछ विद्यार्थियों को मिला, कुछ अभिभावकों को भी मिला, कई विद्यार्थियों की मेल मेरे को आती है, बहुत सारे लोगों की नाराजगी मेरे पास आती है। मैं उसको एज ए पेरेंट, एज ए बड़े भाई, एज ए अभिभावक, मेरे पास उसको स्वीकार करना, उनको संभालने की अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। मैं उनको संभालता हूँ, उनकी नाराजगी वाजिब है, ये प्रजातंत्र है, लोगों की बात हमें सुननी है, और उनके लिए जो न्यायोचित मार्ग होगा, जस्ट एंड लॉफुल होगा, उसको करना सरकार की दायित्व बनता है। मैं हमारी सरकार की तीसरी पारी में, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ आश्वस्त करता हूं आपको, धीरे धीरे दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट आज हो जाएगा। कई चीज अपने आप में समय के हिसाब से स्पष्ट हो ही गया है। सरकार की मंशा बहुत ही पवित्रता के साथ मैं कहूं स्पष्ट है, भारत को आगे ले जाने के लिए हमारी युवा शक्ति ही माध्यम है। उनको कोई भी प्रकार की असुविधा जाने अनजाने में हो, हम नहीं चाहेंगे। सर,
Certainly, I assure you. 45 to the left. Hi sir, I'm Piyush from India Today. My question is regarding the NEET examinations. We have seen as to how because of the paper leak, UGC NET examinations have been cancelled. Can we see that NEET examinations for 24 lakh students be redone? And the another question is about what was the need of changing the mode of conducting examination of NET from the CBD mode to pen paper mode? This question is also being asked by I think I have already answered by Ritika's question, the part one of your question. Why we have adopted a process in UGC NET and why we have adopted a process in the NEET. I think I have answered that question. Regarding why we have changed, it's up to the examining agency because both are the well-established examination method of our country, both CBT and OMR, pen and paper. Last year only, NTA has conducted examination of different kind of 1 crore 30 lakh students and youths. This year, by this time, NTA has conducted examination of 80 lakh students and youths of different states, different agencies. And in both the way, we can't say apple is good or orange is good. Both have their own way. I assure you, when we are going to form a transparent committee, we'll take their advice. How world practice will be come to India, how more transparency will be there, government is committed for that. 256 to the right. Sir, Aishwarya Paliwal, Aaj Tak and India Today. Sir, any information regarding how the paper leak in Bihar took place? Any specific information you have received? Please wait. Aap thoda intezaar kariye. Aaj Tak jo hamare paas jankari hai, kai vishay public domain mein aap logon ne bhi dikhaye ho. Thoda usme tathya aur judna padega. Shayad Bihar police acche se usko kiya hi hai. Usko sare report abhi samne le aayenge. So there must be lakhs of students watching you at this point of time. Any two things you would like to tell to the students? I'll appeal to all my young friends. Government is committed for your future, for your intellectual capacity. We recognize your intellectual capacity. We assure you, government will always adopt a transparent practice and process to protect your interests. Have faith on government, have faith on system. Nothing wrong can be tolerated by government. मैं सभी को निवेदन करना चाहूँगा सारे विद्यार्थी मित्रों को आप अस्वस्थ रहिए कुछ गड़बड़ियाँ सरकार के सामने ध्यान में आई हैं उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं पारदर्शिता के साथ मैं बड़े विनम्रता से अनुरोध करना चाहूँगा अफवाह में मत जाइए जो सत्य है आज के दिनों में कोई भी चीज छुप नहीं सकती है सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की नजर में है जो भी घटना हो रही है देश की जनता देश की मीडिया देश की प्रबुद्ध वर्ग सारा चीजों में इन्वॉल्व्ड है घबराने का कोई कारण नहीं है हम ये सब देश की भविष्य सुरक्षित रहे आज की विद्यार्थी सुरक्षित रहे उनकी मेहनत पानी में ना चला जाए इसी दायित्व के साथ हम है नंबर 11 टू द लेफ्ट गुड इवनिंग सर ऋषभ फ्रॉम टाइम्स नाउ सर कैंसलिंग यूजीसी नेट कैन बी सीन एज अ नी जर्क रिएक्शन बट इज देयर अ प्लान इन प्लेस फॉर फ्यूचर to ensure that these things not happen because in last 1 week we have seen at least 35 lakh students and young professionals in this country suffering 11 lakh from the NET exam and 24 lakh from NEET papers the controversy that are looming around it so is there a plan already in place that the government is while you are saying that government is committed toward the welfare of student and well-being of students but these things a is a financial burden, B is a waste of time for them as well, given that they have been preparing it for years and then on the day of paper or a day after the exams get cancelled. Now, I totally agree with you. I don't have any words to share, only sympathy with words. We all are concerned
and cancelling the NET UGC is not a knee-jerk reaction. We have some proof. We have to take a decision. Sometimes decisions are very painful and hard. Yesterday, our ministry, our senior colleague took a painful decision. It's an unfortunate decision, but we have to take. To protect the future of our professionals, those who will be assistant professor, those who will be doing PhD, there must be a transparency. This question leak is a institutional failure from NTA. That's why we are assuring you, there will be a reform committee, action will be taken, responsibility will be fixed. 95. जो इस बार रैंक में काफी उछाल आया है, इसको मंत्रालय किस तरीके से देख रहा है और क्या इस पर कोई इंक्वायरी या कुछ उस पर आगे? देखिए, इस बार आपको मैं दो विषय बड़े विनम्रता से कहूं कि कोविड के समय में एनसीईआरटी और सीबीएसई ने अपने सिलेबस को थोड़ा छोटा किया था, कुछ अंश को छोड़ा था. नीट की परीक्षा उस रिड्यूस सिलेबस के ऊपर हुई है. दूसरा, इस बार जो विद्यार्थियों की मेहनत रही है, जिस प्रकार की, क्योंकि बहुत कुछ सालों से एक प्रेशर आ रही थी कि ये सुइसाइड वगैरह को कैसे सामना करें, हार्ड क्वेश्चन एक चैलेंज था. एजुकेशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ये सब मिलके रेकमेंड किए थे कि क्या जो बच्चे स्टेट बोर्ड के आते हैं, जो बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि के आते हैं, जो बच्चे गरीब पृष्ठभूमि के आते हैं, उनकी बोर्ड की लेवल की क्वेश्चन होनी चाहिए. इस बार देश भर की उसको ध्यान में रखते हुए 12वीं के स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आए हैं, जिसके कारण गांव गरीब पृष्ठभूमि की, ग्रामीण पृष्ठभूमि की, छोटे शहरों की. मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं, नवोदय विद्यालय वाले कहीं बाहर नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, नवोदय में ही पढ़ते हैं. हर एक नवोदय की 10-15-25% तक विद्यार्थी इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस होते हैं. आज बहुभाषी परीक्षा होती है, 13 भाषा में परीक्षा होती है. इस साल 655 नए सेंटर्स खुले हैं. ये सभी के कारण एंट्री भी बढ़ी है, इसलिए रैंक में थोड़ा नयापन दिख रहा है. ये मेधावी विद्यार्थियों का कारण ही हुआ है, और मेधावी विद्यार्थी देश की सभी इलाका में, जब हम एनालिसिस करते हैं कहाँ से ये नंबर सब आए, ये समतुल तरीके से देश की सभी जिलों से ये नंबर्स आए हैं. 82 टू द राइट. सर, मैं आमोद हूँ, TV9. भारतवर्ष ने कई खुलासे किए हैं इस पूरे प्रकरण में, पटना से आपने भी देखे होंगे. सर, कोई ऐसी जानकारी आ रही है पटना से, जो वहाँ पे गेस्ट हाउस बुक की गई थी, वैसी कोई जानकारी आ रही है किसके नाम से क्या हुआ इस प्रकरण में? सारा विषय सब्जेक्टिव इंक्वायरी है, मैं गंभीरता से सारा विषय को विभाग ने लिया है. बाकी रहा कमिटी वगैरह के बारे में, जल्द ही हम उसको पब्लिक डोमेन में मैंडेट और उसकी कंपोजिशन लेके आएंगे. 123 सर, अभी आपने कहा कि नीट यूजी में जो ओनहार स्टूडेंट्स हैं उनके उन्होंने जो अच्छे रैंक लिए उनको भी ध्यान में रखा जाएगा. सर, 6 जुलाई से काउंसलिंग होनी है, लेकिन बहुत बच्चे अब कंफ्यूजन में हैं कि काउंसलिंग होगी नहीं होगी, क्या नीट भी कैंसिल होगा यूजीसी नेट की तरह, तो सर उसमें कब ये फाइनल डिसीजन हो पाएगा कि मतलब ये अब काउंसलिंग प्रॉपर होगी बच्चे, क्योंकि 1563 बच्चों का सर अभी संडे को टेस्ट है. देखिए मैं आपको निवेदन सार्वजनिक रूप में क्या, अफवाह में ना जाए. सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है री टेस्ट के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख को री टेस्ट की डेट फिक्स किया है. अफवाह की गुंजाइश कहां है? प्लीज इफ एंड बट की गुंजाइश कहां है? बाकी
अभी तो एक काउंसलिंग डेट है, अभी तो एक डेट है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ लोग काउंसलिंग को भी स्थगित करने के लिए गए थे। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना टिप्पणी उसमें दिया है। फिर मैंने सारा विषय माननीय मुख्य न्यायाधीश की सामने भी है। ये सारे विषय में मैं आपको फिर मेरे मर्यादा को भी थोड़ा आप मदद करिए, मेरे आवश्यकता को भी थोड़ा मदद करिए। हम देश की विद्यार्थियों के भविष्य को कोई भी प्रकार की इफ एंड बट और अफवाह में हम ना ढकेल दे। सरकार बहुत ही स्पष्ट है, ये सारे कवायद इसीलिए हो रहा है कि देश की बहुत मेहनत से जो गरीब बच्चे, जो सामान्य बच्चे, मध्यवर्गीय बच्चे इस बार मेधावी विद्यार्थी करके उतरे हैं, सामने आए हैं, उनके हितों हमारे हित हमारे सर्वोपरि है। धन्यवाद सर। हम सर हम 49। गुड इवनिंग सर, आई एम प्रियांक फ्रॉम टाइम्स नाउ। सर आईफोसी ने इंफॉर्मेशन दिया जिसके कारण एनईटी वाला कैंसिल हुआ। इट्स बीन 15 डेज सिंस बिहार पुलिस ने वो मॉड्यूल, 15 दिन पहले सर बिहार पुलिस ने वो मॉड्यूल क्रैक किया था जिसमें पेपर लीक का था, तो क्या डार्कनेट पे वो वैसा भी कुछ एविडेंस मिला है कि नीट के भी पेपर्स थे, ऐसा कुछ एविडेंस मिला है आईफोसी को? जो हमारी बिहार पुलिस की जानकारी, देखो आप भी छोड़ते नहीं, डार्कनेट में अगर वो रहता, कभी भी किसी डेट पे रहता, तो आप लोग भी तो उसको भी निकाल के ले आते शायद। ये सारे कंक्लूजन में हम लोग इसीलिए कहते, देखो मैं किसी भी विषय का इफ एंड बट में जाना नहीं चाहता।